कार्स 24 जैसा कि आप सभी जानते हैं 2015 में खुली थी और कार्स 24 कंज्यूमर्स को मदद करती है कारों को खरीदने में, बेचने में और इवन फाइनेंस में भी हेल्प कर देती है। और कार 24 के लगभग 9000 एम्प्लॉयज हैं। इस ले ऑफ से पहले मैं ले ऑफ के बारे में ही आपको बताने वाला हूं। लगभग 600 एम्प्लॉयज को कार्स 24 ने निकाल दिया है, तो बहुत बड़ा ले ऑफ है। लेकिन कंपनी ऑफिशियल्स का ही कहना है कि दिस इज नॉट अ ले ऑफ और ये पूरी तरह से परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू है। इस कंपनी को बहुत बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि सॉफ्ट बैंक और अल्फा वेव इनोवेशन बैक करते हैं। उन्होंने काफी फंड्स डाले हैं इस कंपनी में और कार्स 24 इस बात को सिरे से नकार रही है कि ये ले ऑफ है। वो कहते हैं कि ये ले ऑफ नहीं है, ये एक नॉन परफॉर्मेंस का मामला है जिसकी वजह से उन्होंने इन एम्प्लॉयज को निकाला है। ज्यादातर एम्प्लॉयज जूनियर पोजीशंस पे थे, तो हो सकता है जो वो कह रहे हैं वो सही हो क्योंकि कंपनी करंटली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपेंड इंटरनेशनली और 2015 की खुली हुई कंपनी ने काफी इनफैक्ट ग्रोथ की है मार्केट में और 9000 एम्प्लॉयज कोई कम एम्प्लॉय बेस नहीं होता, बहुत बड़ा एम्प्लॉय बेस है। इस कंपनी ने लगभग 300 मिलियन यूएस डॉलर्स एक्विटी में रेस किए हैं रीसेंट टाइम्स में और एक एडिशनल 100 मिलियन का और इन्होंने रेस किया था दिसंबर में, तो टोटल वैल्यूएशन इनका है लगभग 3.3 बिलियन यूएसडी, तो बड़ा है। और दे आर यूनिकॉर्न और एट द टाइम कार्स 24, ये उनका मानना है कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे वो लगे हुए हैं, तो ये सारा पैसा जो है वो अपने रिफर्बिशमेंट लैब्स जो हैं, जब कार खरीदने के बाद उनको ठीक किया जाता है, उन लैब्स में वो लगाने वाले हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने शेयर्स को बढ़ाने के लिए वो बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे मार्केट्स में उन्होंने ऑलरेडी रीच किया है जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, थाईलैंड और इसके साथ 6-7 और कंट्रीज में वो 2022 में एक्सपेंड करना चाहते हैं। इनफैक्ट इन 2021 उन्होंने सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और मलेशिया को भी एक्सपेंड किया था, वहां पे अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड किया था, तो बहुत अच्छा जा रहा है वो सब कुछ। और इंटरनेशनल मार्केट्स में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो मिल रहा है उन्हें वो भी अच्छा मिल रहा है। लगभग 20% प्रॉफिट्स आज की तारीख में उनके इंटरनेशनल मार्केट से आ रहे हैं, तो काफी बुलिश है कंपनी एज फार एज इंटरनेशनल मार्केट्स गो। तो कंपनी इज डूइंग वेल। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि क्यों उन्होंने 600 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, लेकिन ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। आप देखिए स्टार्टअप वर्ल्ड में जैसा कि एक और कंपनी जो कि वेदांतु है, उन्होंने वेंसडे को ही लगभग 424 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, वो भी एक स्टार्टअप है। और मार्च और अप्रैल में अनअकैडमी जो सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है जिस कंपनी को, उन्होंने भी 800 एम्प्लॉयज को निकाल दिया था। इससे पहले एडटेक स्टार्टअप है एक लीडो लर्निंग, उन्होंने लगभग 1200 एम्प्लॉयज को निकाल दिया था। और अगेन उनका तो ये कहना था कि भई हम फंडिंग क्रंच से जूझ रहे हैं इसलिए हम एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, लेकिन कार्स 24 का ऐसा कहना नहीं है। उनका कहना है कि परफॉर्मेंस का इशू है। इसके पहले सोशल कॉमर्स स्टार्टअप मीशो ने भी लगभग 150 एम्प्लॉयज को मई में ले ऑफ कर दिया था और फरवरी में ओके क्रेडिट जो एक और स्टार्टअप है टाइगर ग्लोबल उसे बैक करता है और लाइट स्पीड बैक करता है, उन्होंने भी लगभग 40 एम्प्लॉयज को निकाल दिया था। तो कॉन्टिन्यूसली ये जो रिट्रेंचमेंट है एम्प्लॉयज का वो चल रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। और ये ज्यादातर कंपनीज जो बड़े बड़े ले ऑफ्स कर रहे हैं एम्प्लॉयज के, ये मोस्ट ऑफ देम आर स्टार्टअप्स। तो देखिए स्टार्टअप्स के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं क्योंकि फंड्स का एक इशू होता है, उन्हें फंड्स मैनेज करने हैं, ग्रोथ को भी मैनेज करना है, नए मार्केट्स को भी एक्सेस करना है, तो फंड्स का डेफिनेटली इशू होता है और साथ ही परफॉर्मेंस का इशू भी होता है क्योंकि ग्रोथ प्रेशर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जहां से आपके फंड्स आते हैं वहां से इस बात के प्रेशर्स भी आते हैं कि आप तेजी से ग्रो करिए। जब आप तेजी से ग्रो करते हैं तभी आप स्टॉक मार्केट में जाकर अपने आईपीओज भी निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स आईपीओज के लिए भी जा रहे हैं आजकल। सो दिस इज गोइंग ऑन एंड आई थिंक इन टाइम्स टू कम मोस्ट ऑफ देम विल मैच्योर एंड आई होप कि बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स बड़ी ग्लोबल कंपनीज बन जाएं। वी ऑल होप दैट। एंड इफ यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग वीडियोज लाइक दिस। आई विल कीप सेंडिंग वीडियोज लाइक दिस योर वे ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस। थैंक यू।